रहे, मैंने कोई मेकअप अपने स्किन पे नहीं लगाया हुआ है, यू कैन सी। और जो मेरा स्कार्स ना ये काफी इतना बड़ा था, और ये गॉसिप की मैं रवीना बिटिका से फिर ज़ारा से, तो आज हम करेंगे एक प्रोडक्ट का रिव्यू। तो वो प्रोडक्ट है ये है डर्मा टच का सैलिसिलिक एसिड 2% नियासिनामाइड 6% ऑयल फ्री जेल एंटी एक्ने एंड ऑयल बैलेंस। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। बात करें इसकी प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस है 299 लगभग 299 लगभग 300 रुपये का ये आता है। और क्वान्टिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्वान्टिटी है आई थिंक 30 ग्राम यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगी। एंड इसकी बात करें तो ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, क्लिनिकली प्रोविन है, एक्टिव है, फास्ट एक्शन ये लेता है, इरेज फॉर्मूला है, फ्रेग्रेंस फ्री है, जेंटल ऑन स्किन। तो डर्माटोलॉजिस्ट ये टेस्टेड है और ये फ्रेग्रेंस फ्री है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं या जो स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं उनकी वो वर्क तो अच्छा करते हैं, बट उनकी फ्रेग्रेंस इतनी अनॉइंग होती है ना कि हम उसको बेयर नहीं कर पाते, तो हम वो प्रोडक्ट लगाना छोड़ देते हैं। तो इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है और ये जेंटल है, स्किन के ऊपर अच्छे से टेस्टेड है, और ये दावा करता है ये एंटी एक्ने और ऑयल बैलेंस्ड है। ये अपना आपके जो एक्ने से हुए हुए जो स्कार्स हैं, जो निशान्स हैं, इनको रिमूव करता है। अगर गाइस इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसमें है एक्वा विटामिन B3, सोडियम हाइड्रोसैलिसिलिक एसिड, कार्बोबीम, यहाँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगी। अब कि ये क्या क्या क्लेम करता है, तो ये बेसिकली क्लेम करता है कि जो आपकी स्किन है उस पर जो स्कार्स हैं उसके निशान रिमूव कर देगा, और ब्रेकआउट्स जो आपकी स्किन पर हो गए हैं उनको सही करेगा, एंड जो सीबम आपके स्किन पे ऑयल स्किन वालों पे रिड्यूस होता है उसको नॉर्मलाइज करेगा। और अब मैं बात कर लेती हूँ कि मैंने जब इसको यूज़ किया तो मेरे ऊपर इसका क्या रिजल्ट आया। बता दूँ कि मेरी स्किन पे ना काफ़ी सारे एक्ने के निशान थे, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे 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 से निशान थे जो भी अभी हैं, जो कि काफ़ी हद तक फेड हो चुके हैं। और मैं आपको एक मेजर रिजल्ट दिखाती हूँ कि मेरी स्किन पे यहाँ पर एक बड़ा सा स्कार था, जो कि मेकअप जब मैं मेकअप ट्यूटोरियल करती थी तो उसमें भी शो होता था, मुझे इसे कलर करेक्टर के द्वारा छुपाना पड़ता था। बट नाउ आप ये देख रहे हैं, मैंने कोई मेकअप अपने स्किन पर नहीं लगाया हुआ है, यू कैन सी। और जो मेरा स्कार्स ना ये काफ़ी इतना बड़ा था और ये एक्ने वगैरह का ही स्कार था, तो वो काफ़ी हद तक फेड हो गया है। मैंने इसको 10 दिन हो गए हैं यूज़ करते हुए, मैंने इसको 16 दिसंबर पर मंगाया था और आज है 28 दिसंबर, तो मैंने इसको तब से यूज़ किया है, लगभग 12 दिन हो चुके हैं, और आप ये रिज़ल्ट मेरी स्किन पर देख सकते हैं। यू कैन सी काफ़ी स्कार्स के जो निशान है वो एक्ने के निशान है वो कम हो गए हैं, एंड मेज़र उनका मुझे इतना नहीं पता चला क्योंकि छोटे छोटे निशान है तो उतना नहीं पता चला, बट मेज़र रिज़ल्ट मेरा जो ये स्कार था ना, जो ये निशान था ना, ये रिड्यूस हो रहा है, फेड हो रहा है। तो डेफिनेटली ये वर्क करता है, मेरी स्किन पे इसने वर्क किया है, और ये ड्राई ऑयली दोनों स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ की अगर हम बात करें तो 2 ईयर्स की इसकी सेल्फ लाइफ है, एंड अगर मेरे ऊपर इसका अच्छा रिजल्ट आया तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने ऊपर कैसा रिजल्ट आया खुद देख सकते हैं। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, यह पर्सनली मैंने मंगाया था और यूज़ किया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। इसी तरह के और वीडियो देखने तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।